पंचफोरन या पंच बघार में हमें चाहिए होते हैं ये पांच स्पाइसेस, और इन्हें हम बराबर मात्रा में लेते हैं। तो ये पांच स्पाइसेस हैं दाना मेथी, राई, कलौंजी, जीरा और सौंफ। और बघार में इन सब को बराबर मात्रा में लेके मिलाया जाता है। तो इन सब को आप एक बॉटल में बराबर मात्रा में लेके, जैसे मैंने ये स्पून में ले रखे हैं, इनको मिला के आप बॉटल में रख सकते हैं। या आपको जब भी कोई सब्जी बनानी है तो ये पांच जो स्पाइसेस हैं ये आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए और बघार में डालिए। जनरली चार पांच जनों की सब्जी में एक टीस्पून हम पंचफोरन डाला करते हैं, और साथ में हींग जरूर डलती है इसमें। बिना हींग के पंचफोरन जो मसाले होते हैं उनका मजा नहीं आता। और ये हलवाई स्टाइल सब्जियां जो हम बनाते हैं, जो शादियों में सब्जियां बनाई जाती हैं, उनमें बहुत काम आते हैं। तो ये हमारे जो स्पाइसेस हैं ये हमारे खाने का फ्लेवर एकदम चेंज कर देते हैं। तो पंचफोरन के लिए हमें ये पांच मसाले चाहिए होते हैं, और ये जब हींग और तेल या घी के साथ जब ये फूटते हैं तो इनकी जो एरोमा होती है, जो इनकी खुशबू होती है, वो हमारी सब्जियों को एक अलग ही स्वाद देती है। तो आप ये पंचफोरन मसाले अपनी सब्जियों में यूज करें। मैं भी रेसिपीज बताऊंगी आगे जिसमें ये मसाले यूज किए जाएंगे। तो ये हमारे बेसिक पेस्ट और मसाले सेक्शन में मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि पंचफोरन क्या होता है उनके लिए। बाकी जो जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ये सब मसाले हमेशा यूज करते हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिए और इनको एक बॉटल में भर के रखिए, और जब भी आपको चाहिए हो मसाला तड़का लगाने के लिए तो आप ये पंचफोरन इस्तेमाल कर सकते हैं।